क्योंकि पुलिस वाले की गाड़ी है, निकाल लेने। वो भीड़ क्यों लग गई यहाँ पे? गलती स्कूटी वाले की है। आज हो क्या रहा है यार? अभी थोड़ी देर पहले एक स्कूटी में क्या देख रहा है भाई? अभी अचानक से मेरा प्लान बना कि हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए मालवीय नगर या राकेश, और काफ़ी दिन से बस घर में बैठे हुए थे, कुछ ब्लॉग बना नहीं रहे थे, और वो क्यों नहीं बना रहे थे वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लाइट अच्छे से आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी। मैं लेके जा रहा हूँ अभी रिट्स, मैं और रिजवान, हम दोनों जा रहे हैं। रिजवान अभी अपने ऑफिस से आया था और मैं भी घर पे बैठा हुआ था। काफ़ी दिन से मन ख़राब था मेरा, कुछ भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत सारे प्लान थे और मन क्यों नहीं था मैं आपको बता देता हूँ। जब से सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ ये सब हुआ है तब से बहुत ज़्यादा मन ख़राब है, और ना कुछ शूट करने का मन कर रहा है ना कुछ करने का मन कर रहा है। क्यों रिजवान, कितना गलत हुआ? बस वो बार बार उनकी बातें ना दिमाग में आ रही है यार, उन्होंने बिगाड़ा क्या था? इतने ग्रेट बंदे यार, कोई उनके घर पे आ रहा है उनके लिए चाय भी बिना सोचे समझे यार इतना कुछ कर दिया यार। सामने लग गया ट्रैफिक, निकाल ले तो, क्योंकि पुलिस वाले की गाड़ी है। निकाल ले अभी वो है जगह थोड़ी सी। उसकी जगह है उधर निकालने की, वैसे भीड़ क्यों लग गई यहाँ पे? ये रात का सफर ना इसलिए अच्छा लगता है, पूरा खुला खुला। अभी टाइम जो हो रहा है 10:46 हो रहे हैं और पूरा रोड सुनसान सा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अभी तो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे घूमने के, यहीं आसपास जा रहे हैं, लेकिन अगर जब जाएंगे तो रात में इसीलिए निकलते हैं। देखो हो रहा है ना मस्त। लो भाई साहब, यही सोच रहे थे यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, गलती स्कूटी वाले की है। गाड़ी वाला आराम से निकल के जा रहा था और स्कूटी वाला भगाता आया और ठोक दी उसको, बच गया। मुझे लग रहा है तीर रखी है। वो गलती साफ उसकी है, स्कूटी वाले की। वो लेके आया बीच में, उसे तो ये लग रहा था कि भाई वो तो रोकेगा, वो रोकी है नहीं उसने, वो सीधा ले जाके उसमें मार दी। उस बेचारे का टैक्सी वाले का इतना नुकसान और हो गया। आज हो क्या रहा है यार? अभी थोड़ी देर पहले एक स्कूटी में टक्कर हुई और ये एक और एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। लो लग गई क्या भाई? लग गई उसको यार। अरे आज हो क्या रहा है? यह है साकेत मॉल, जी है। तो कहाँ आ रहा है? अभी रेनोवेशन चल रही है दबा के। ये आइसक्रीम वाले के पास रुकेंगे यार, यहाँ रुक जाते हैं। यार ढूंढते आइसक्रीम वाले को हम पहुंच गए साकेत पीवीआर, और यहाँ देखेंगे क्या है। सर्दियों में ना और भी मज़ा आता है यहाँ पे, देख ले कुछ भी। सर बढ़िया, तो सभी सबका टेस्ट अलग है, आपको क्या टेस्ट? ये दे दो, ये दे दो, दो दो दे दो। दूसरी एक काम करना है कि ये पूरे ले लो हमारी यार, इसी देना मैम। हाँ एक काम करो, एक चॉकलेट दे दो और एक ये चॉकलेट। हाँ एक चॉकलेट देता हूँ और एक और चॉकलेट दे देता हूँ। तू कौन से है? चॉकलेट दे।
बस ये खाने के लिए ना क्या करें यार, मूड खराब था बहुत दिन से। एक काम करते हैं चलते हैं, है ना, चलते चलते खा लेंगे और गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। भाई पता है क्या है, यहाँ ना रात के टाइम थोड़ा सा ऐसा हो गया अंधेरा, ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है ना। टाइम हो रहा है ज़्यादा, टाइम कितना हो रहा है 11:30। आइसक्रीम भी ये रही, आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, अच्छी नहीं, ज़्यादा सोचा था कि अच्छी होगी, अच्छी नहीं है। मार्केट वार्केट सब बंद हो गई, पर ये आइसक्रीम वाले रात को बहुत देर तक रहते हैं ना, 12 बजे तक तो रहते ही हैं। रात के 11:30 बजे भी इतना खतरनाक ट्रैफिक देख रहे हो। दिल्ली भी कुछ दिन बाद मुंबई बनने वाली है, रातों को यहाँ लोग सोते नहीं है, जागते रहते हैं। बताओ 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी भी इतना ट्रैफिक देखो, और मैं जब घर से निकला तब कह रहा था कि कितना सुनसान मिलता है, और अब इतना देखो ट्रैफिक बढ़ गया। काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, इसलिए ये मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है, कम से कम आप लोगों को कुछ भी देखने के लिए मिल जाए। तो अभी मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए गया था, तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।